पांडे साहब का अपना डिजिनेशन परिचय दिया। मैं यहाँ पे टूर मैनेजर हूँ जी और यूपी का रहने वाला हूँ। सर आप यहाँ कितने दिन से हैं? मैं यहाँ करीब 3 साल से। 3 साल से हैं सर। ये अभी आपके पास यहाँ कौन कौन सा कोई कठिनाई कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम? नहीं नहीं कोई कठिनाई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। नहीं। सर पर डे यहाँ मान लीजिए सरकार को कितना इनकम आ रहा है? रेवेन्यू हम बता नहीं सकते आप। नहीं बता रहे लेकिन एकदम आपके साथ कितने वर्कर काम कर रहे हैं? यहाँ करीब 100 वर्कर है। 100 वर्कर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है आने जाने वाले के साथ? नहीं नहीं ऐसा कोई दिक्कत ऐसा कोई ये नहीं। सब लोग टोल पे करते हैं जी बराबर तरीके से जी। उनको रिसीट दिया जाता है बराबर तरीके से जी। दिक्कत कोई नहीं आ रही। सर आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं या क्या आपके पास कुछ ऐसा और कुछ डिमांड है सरकार से? आप क्या जी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार लोग काम कर रहे हैं सरकार से उनका कोई शिकायत नहीं कुछ करना नहीं कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ठीक है सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। अभी आप कहाँ थे? इससे पहले मैं मुजफ्फरपुर वाले टोल प्लाजा पे था। मैथी टोल नाम से यहाँ से वहाँ तक क्या कोई टोल प्लाजा है? यहाँ से हमारा 4 टोल प्लाजा है। जी कहाँ कहाँ है सर? एक तो मुजफ्फरपुर में है मैथी टोल प्लाजा बोलते हैं उसको जी। एक है राजे टोल प्लाजा जी। एक कोसी नदी के पास में है हसनपुर टोल प्लाजा बोलते हैं उसको जी। एक अररिया के पास में उसको हरिया बारा टोल प्लाजा बोलते हैं। तो सर यही 4-5 प्लाजा पर आप लोगों का ट्रांसफर? हाँ ट्रांसफर होता रहता है आते रहते हैं जाते रहते हैं। कभी यहाँ काम करते हैं कभी यहाँ काम करते हैं कभी सर काम। स्टेट भी हो सकता है जैसे बिहार से बाहर? बिहार से बाहर होगा काम मिलेगा कंपनी को तो बिहार से बाहर भेजेगा जाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो भेजेगा? हाँ जरूरत पड़ेगा कंपनी भेजेगा जाएंगे। आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग कहाँ था सर? फर्स्ट ज्वाइनिंग हमारा था हरियाणा में करनाल एक जगह है। हरियाणा के बाद आप कहाँ आए? वहाँ के बाद तो हम चले गए थे दिल्ली। दिल्ली आए MCT टोल प्लाजा जी। उसके बाद में दिल्ली से चले गए थे बिहार में शेखपुरा में चले गए थे जी सर। शेखपुरा चले गए दुर्ग छत्तीसगढ़ जी सर। छत्तीसगढ़ से बस्ती आए जी सर। बस्ती यूपी में है जी सर। उसके बाद यहाँ आ गए 8-9 साल से यहाँ पे। अभी फिलहाल आप यहाँ के पास हैं जी। आप रहने वाले सर कहाँ के हैं? यूपी के अम्बेडकर नगर जिला है जी। ठीक है सर एक बार अपना नाम ले लीजिए सर जी। एक बार फिर अपना नाम ले लीजिए। नाम नाम अपना? रविन्द्रनाथ पांडे। धन्यवाद।